से रूबरू कराना चाहती हूँ जो न सिर्फ हीरा ग्रुप की फाउंडर और सीईओ हैं बल्कि विदेशों में अपनी उद्यमिता के लिए जानी जाती हैं, डॉक्टर नौहीरा शेख। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नौहीरा जी, हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा है और जाना है कि आप बहुत सालों से महिला सशक्तिकरण की ओर कार्यरत हैं। जी, क्या वजह रही इस पार्टी को स्थापित करने की? वजह यही है कि मैं तकरीबन 20 साल से 1998 से तकरीबन मैं औरतों में सोशल वर्कर हूँ और ख्वातीन की मदद करती आ रही हूँ, चाहे वो छोटे बच्चियाँ क्यों ना हो, उनकी वजह से जैसे छोटे बच्चियों को पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती और उनको घरों में काम कराया जाता है और उनको ख़ास कर से जो है उन बच्चियों को ज़िंदगियाँ जो है बेकार कर देते हैं, यानी कि उनको कोई भी फ्यूचर में जीने के लिए कोई उनके लिए रास्ता नहीं होता है। और कभी कभी हमारे जो स्टेज है, हमारे जो विलेजेस हैं, उसमें बहुत छोटी उम्र के बच्चियों को शादी भी कर देती हैं, कभी ज़िंदगी में उनके लिए हालात ख़राब आती हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ना पढ़ी लिखी होती है, ना कहीं पर उनको काम मिलता है, उसके बाद तो वो रोती ही ज़िंदगी गुजारती है। ऐसी चीज़ें मैंने देखा था तो सबसे पहले मैंने उन बच्चियों के तबके के लिए काम किया कि जो बच्चियों को इस तरह अपने वालिदैन रख देते हैं, तो फिर मैंने उन वालिदैन को समझाया और उन वालिदैन को इनको पढ़ाने के लिए इंक्रेज किया और उनको घर घर जाके बताया मैंने, और छोटे छोटे विलेजेस में मैंने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के ज़रिए बताया कि बेटा बेटी दोनों भी एक होते हैं और बेटे को भी पढ़ाना है तो बेटी को भी तुम पढ़ाना है। तो कुछ लोग जो है उस बात में खुश होकर वो खुद से पढ़ाने लग गए। फिर उसके बाद मैंने खुद स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करके उन बच्चियों को लाकर जो है मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ सबसे पहले कि फिर वो बच्चियों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा और लोग क्या है उसमें जमा होते चले गए और बहुत सारी बच्चियाँ पढ़कर और उन्होंने तकरीबन थोड़ा उन्होंने बेसिक तालीम हासिल कर लें और उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर नॉलेज भी उनको आ गया और छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी वो कर लिए, तो कम से कम छोटी मोटी जॉब उनको मिल जाती है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, कल चल कर कोई छोटी भी सैलरी उनको मिल जाती है तो उसके साथ जो है उन्होंने ज़िंदगी ये करते थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे लेडीज़ को, बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन को मैंने जमा किया जो कि बिल्कुल इस तरह मजबूर हो जाते थे कि अब हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा हाल ही ये है कि हमेशा बहुत सारी औरतें आते थे जब मैंने एक काम स्टार्ट किया कि मैं औरतों की मदद करूंगी, आप मेरे पास आओ मैं बताऊंगी वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैंने भी कुछ हालात को बहुत सारे फेस किया था, उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया सब कुछ भी। तो फिर वो औरतें आके बताते थे कि मैडम हमको जो है कभी कुछ 100 रुपयों की भी ज़रूरत हो जाती है, या तो वो हमारे हस्बैंड से मांगना पड़ता है या तो हमारे बाप से मांगना पड़ता है, जबकि वो लोग जो है उससे बेजार भी हो जाते हैं, कभी कभी देते भी नहीं और कभी कभी उसकी वजह से बहुत गालियाँ भी सुनना पड़ता है और हमको वो चीज़ें पूरे बड़े तकलीफ देती है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना और उनको सिखाना कि किस तरह से वो एक तिजारत भी कर सकती हैं, वो कैसी हुनर कर सकती हैं, अगर वो बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो कैसे काम कर सकती हैं, तो फिर वो तिजारत में हिस्सा लेने लगी और वो सीखने लगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के काफ़ी औरतें जो है इससे मुस्तफ़ीद होके काफ़ी फ़ायदा उठा चुके। उसके बाद हमारे सामने काफ़ी चीज़ें आने लगे कि कभी कुछ केस हो जाता है, कभी कुछ मामले हो जाते हैं, मिसाली तौर पे एक लड़की को जान से मार दिए, अभी उस लड़की को जान से मार दिए, जब हम जाके पुलिस के पास रिपोर्ट करते हैं कि ये लड़की को जान से मार दिया गया है और ये लड़की को जो है सिर्फ डोरी के जुर्म में जो है जान से मार दिया गया, क्योंकि वो 1 साल से सताते थे 2 साल से सताते थे, हम पुलिस के पास पहुँचने से भी पहले उनको फ़ोन चले जाता था और पैसे भी चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो लड़की ने तो ऐसे मर गया, वो कुछ पागल थी, इस ऐसे कई एक नहीं बल्कि कई चीज़ों को हमने देखा है कि वो जो मुजरिम होते हैं उनको बिल्कुल से बिल्कुल जो है कि आसान से रास्तों पे
छोड़ देते हैं, और जो उसके वालिदैन होते हैं नहीं, जबकि पोस्टमार्टम किया गया है उस बच्ची के जिस्म के ऊपर 70 से ज़्यादा मार हैं जो पूरे घर वाले पकड़ के मारे, मगर किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है ख़ास कर से। तो ये चीज़ें देखते 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 आए हैं। तो फिर हम वुमेंस के ग्रुप में ये मीटिंग एंड डिस्कस हुए, ये कहाँ से चलता है? ये सिर्फ पॉलिटिक्स से चलता है। ये कहाँ से होता है? ये पॉलिटिक्स से होता है। किसी एमएलए को फ़ोन चले गया, वो एमएलए वहाँ के सीएम को, एसीपी को फ़ोन कर दिया और वहाँ के कमिश्नर को फ़ोन कर दिया, तो वो भी बेचारे दब जाते हैं और वो चीज़ को बिल्कुल से बिल्कुल दबा देते हैं, ले जाके उसको दफन कर देते हैं। तो उसका हमको लगता है कि मेरे सामने ऐसे काफ़ी, मेरे बुक में ऐसे काफ़ी केसेस आई जिनको बिल्कुल से बिल्कुल जो है कि इंसाफ नहीं मिल सकी। उनकी माँ रोती फिर रही है, उनके बाप रोते फिर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, अब वो हेवी हेवी लायर उसको नहीं रख सकते। फिर उसके बाद मैंने वुमेन्स हेल्पलाइन स्टार्ट किया। वुमेन्स हेल्पलाइन स्टार्ट करके फिर लीगल लायर्स को जो है इंडिया के एवरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने लीगल लायर्स को अपॉइंट किया। फिर मैंने जो भी ऐसे केसेस आते थे उनकी फ़ीस पे करके जो भी हो सकता था तो उनको वो काम किया। तो फिर 2-3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इरादा आ गया कि नहीं, अब हम ख़वातीन को भी जो है पॉलिटिक्स में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वही एक औरत होती, उस औरत के पास जाकर अगर कोई औरत रोती कि मेरी बच्ची को मार दिया गया है, तो उसको समझ में आता, वो कभी काल नहीं करती कि उस मुजरिम को बचाने के लिए, क्योंकि वो औरत होती है, उसके दिल को दर्द होता है और उसको पता होता है एक औरत की तकलीफ़ क्या होती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने महसूस किया है, किसी को डोरी पे मार देना, किसी को बच्ची को जो है पेट में मारने के लिए जुल्म करना उसके घर वाले पूरे, जबकि वो नहीं चाहती है, तो उसको कहना कि नहीं अब लड़की गर्भ में है, उसको तो निकालेगी तो हमारे घर में मेरी बीवी बन के रहेगी और तू मेरी फलां बन के रहेगी। और वो सिर्फ एक मज़हब वाले लोग नहीं, बल्कि ये बच्चियों का मारना पूरे मज़हबों वालों के अंदर, कि बेटी अगर कहते हैं, बेटी अगर पैदा हो जाती है तो चेहरे से पानी पूरा उतर जाता है उनका, मगर उनको नहीं मालूम कि वो बेटी अगर पैदा होगी, बड़ी होगी, हो सकता है वो हज़ारों के लोगों को रोज़ी देने वाली बन सकती है, हज़ारों के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बन सकती है, हज़ारों लोगों के लोगों को वो कुछ भी करने वाली बन सकती है। ऐसे काफ़ी चीज़ें जो है मेरे लाइफ में मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसी औरतों को मैंने देखा है, और मैंने वो बच्चियों को भी मैंने देखा है कि वो बच्चियां जो आकर मुझे खांदे पे सर रख के रोती हैं कि मैडम हमको जो है ऐसी तकलीफ़ है। मैं बोली बेटे क्या तकलीफ़ है, क्या बात है, क्या तकलीफ़ है तुमको? तो वो कहते हैं कि हमारा बाप हमको हरास कर रहा है घर में, जब हमारी माँ जाप को जाती है तो हमारा बाप हमको जो है बुराई करने के ऊपर मजबूर करता है। तो आप बताइए कि जो बाप बेटी को साथ देना है, जो बाप बेटी को सपोर्ट करना है, जिस बाप को बेटी अपना प्रोटेक्शन मानती है, अपना प्रोटेक्टर मानती है, हर मज़हब में हर किताब में लिखा गया है कि बाप उसके लिए सब कुछ होता है, तो वो बेटी जब बाप के पास भी अगर सेफ नहीं है, सब लोग नहीं, 100 में से एक कोई गंदा ऐसा इंसान हो, 100 में से दो कोई ऐसे गंदे इंसान हो, मगर वो पूरे माशरे के लिए जो है एक बहुत बड़ी खौफ की बात हो जाती है, कि जो बच्ची को एक माँ अपने बाप के पास भी अगर हिफाजत नहीं समझेगी तो फिर वो कैसे जी पाएगी। तो इसलिए कि वो बेटी का दबना इसलिए है कि अगर मैं बाहर जाके बोलूँगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगी, बोलूँगी तो भी कहाँ बदनाम। फिर मैंने वो जैसे केसेस आते थे मैंने उनको सीक्रेटली हैंडल किया कि वो बात बाहर भी नहीं जाएगी और कहीं भी नहीं जाएगी, और लायर के थ्रू और सिर्फ पुलिस के हद तक जो है उनको सज़ा दी जाएगी, या उनको बुला के डांटा जाएगा, या उनको बुला के, जो लोग ज़्यादा नहीं करते बच्ची को नॉर्मली सताते हैं तो उनको बुला के डांट दिया जाएगा, या उनको अंदर के पास। ऐसे कई कई केसेस जो है मेरे ज़िंदगी में आए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने पूरी औरतों की कमेटी ने बैठकर फाइनल किया, और काफ़ी भाई भी हैं इसमें, औरतें ही नहीं काफ़ी भाई भी हैं जो साथ देने वाले। तो फिर हमने फाइनल किया कि हम जो है एक पार्टी को लॉन्च करते हैं। ज़िंदगी में जो भी डैमेजेस देखे हैं, जहाँ भी जाके काम नहीं होता है, वो सिर्फ होता है एक पॉलिटिक्स के ज़रिए से। और हम जाके कहते हैं कि भाई साहब आपने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, इसने इतना बड़ा गुनाह किया, प्रूफ है, वीडियो है, सब कुछ भी। तो कहते हैं कि मैडम हम क्या करें मैडम, फलाने सांप से फ़ोन आ गया,
हम क्या कर सकते हैं मैडम, फलाने सीएम साहब ने फ़ोन कर दिया, फलाने पीएम साहब ने फ़ोन कर दिया, फलाने लोगों ने फ़ोन कर दिया, तो ये चीज़ें मेरे दिल को हिला डाले। ठीक है, तो फिर हम एक कमेटी बनेंगे, हम भी एक ग्रुप बनेंगे, भले एक जगह भी हमारी जीत हो गई तो कम से कम वहाँ के तो औरतों को हम मदद कर देंगे, वहाँ तो हमारा कम से कम चलेगा और वहाँ तो कुछ काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही मकसद था इस पार्टी को, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च करना। और मेरी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी सोशल वर्क किए, पढ़ाई के ताल्लुक़ से, बिज़नेस के ताल्लुक़ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तरफ से पूरे मैदानों में मैं सक्सेस रही, पूरे मैदानों में मैं सक्सेस रही। मुझे भी बहुत सारे लोग दबाने की कोशिश किए, उठ कर नहीं आना और ये काम नहीं करना, वो नहीं काम करना, तू औरत है तो ऐसा कैसे आ सकती है, बहुत सारे चीज़ें किए। मगर मैंने फिर अपने भी किताबों में स्टडी किया, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी किताबों में, मेरे दीन में मुझे पूरी इजाज़त है कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो शरीयत की जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करती हुई मैं हर काम कर सकती हूँ। मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आ सकती हूँ, मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो फिर हिम्मत से आगे बढ़े और एक पार्टी को इस्टेब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया अल्लाह के फजल से। और काफ़ी ख़वातीन जो है इससे बहुत खुश भी हैं और बहुत लोग काम करना भी चाहते हैं। बल्कि हमारी जो कमिटीज़ हैं और 700+ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कमिटीज़ ऑलरेडी रेडी हैं कि पूरे के पूरा जो है कि हम काम करेंगे। और अब हम दुनिया को बताएंगे कि औरतों के भी हाथ में हुकूमत आ सकती है, वो बार बार बिल पास के लिए पूछना नहीं है, बल्कि हम खुद आ सकते हैं। जब खुद आ जाएंगे तो फिर वहाँ पूछने का, रिक्वेस्ट ना करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। ये हमारा पूरा पहला मकसद है इसका। जी नौहरा जी, हमने आपकी ज़बानी सुना कि आपने कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए उम्दा से उम्दा कार्य किए हैं। आप क्या सोचती हैं, ये पार्टी सिर्फ महिला केंद्रित है, क्या और लोग भी इससे जुड़ना, और लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, और अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उनको आप कैसे प्रेरित करती हैं? और ये पार्टी सिर्फ महिला के लिए नहीं है, बल्कि ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर ये पार्टी है, और ये नेशनल पार्टी है। और इस पार्टी में मर्दें भी आ सकते हैं और औरतें भी आ सकते हैं, मगर पार्टी का मुद्दा है कि अगर कोई मर्द भी इसमें आ गए तो सबसे पहला फोकस उनको औरत की मदद करना है, सबसे पहला फोकस उनको ये करना है। और पार्टी के लिए मैं वेलकम कहती हूँ, वो जितने भी भाई हैं जो अपनी बहन की खुशी चाहते हैं, वो जितने बेटे हैं जो अपनी माँ की खुशी चाहते हैं। एक्चुअली औरत जो है वो होती है जो मर्द को दुनिया में लाती है, दुनिया में लाती है और उसे दूध पिला के पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी माँ होती है जो बचपन से उसे स्कूल को तैयार करके भेजती है, सब कुछ करती है, उसे MBA बनाती है, उसे ग्रेजुएट बनाती है, उसे डॉक्टर बनाती है। उसकी उसमें 90% मेहनत बाप से ज़्यादा माँ की होती है पैदा होने से लेकर। तो फिर औरत को क्यों नीचे किया जाता है, औरत क्या है होती है? मगर हमारी पार्टी में ऐसे फीलिंग्स नहीं है, और हमारी पार्टी में सारे भाई भी जो है हिस्सा ले सकते ही। ना ये पार्टी सिर्फ औरतों की है, ना ये पार्टी सिर्फ मर्दों की है, ना ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम की है, ना ये पार्टी सिर्फ हिंदू की है। ये पार्टी भारत के हर नागरिक की पार्टी है जो भारत में रहता है, मगर पार्टी का जो मकसद है वो सियासत सही तरीके से करना है, और सियासत का मतलब मोहब्बत का पैगाम लोगों को देना है, और एक दूसरे से मिल के सिखाना है। और जो भी लोग पार्टी में ज्वाइन करेंगे, मैं वो यही कहूंगी उन लोगों को कि जैसा आजकल जो राजनीति देखी जाती है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गालियां दे रही है, एक पार्टी हमेशा दूसरों की बुराई बोल रही है, और हम जीतते हैं पब्लिक की खिदमत करने के लिए, पब्लिक के हम सर्वेंट हैं, हम क्या अच्छा काम करना चाहते करना है वो हमको दुनिया को बताना है। एक नई उभरती हुई पार्टी होने के नाते आप कैसे नए लोगों को अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे? मैं इंशाल्लाह अपने मकासिद को लोगों में बयान करूंगी। पार्टी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखी है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को बताऊंगी। तो मेरा मानना है कि मेरे ख़्याल से सारे लोगों को पसंद आएगा, और इनवाइट करने के लिए तो आज बहुत मौके हैं, जैसे सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और पब्लिक भी है, जो पब्लिक भी, और पब्लिक में हमारी कमिटीज़ भी हैं, वो इसके अंदर बहुत काम करेंगे।
और कमिटी में सारे लेडीज़ हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, बहुत सारे जितने भी जमात हैं वो सारे लेडीज़ भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो काम करने के लिए ख़ास कर से तैयार भी हैं। और उनका तो कहना ये है कि कोई भी हमें सपोर्ट करे या ना करे, हम तो घर घर जाके जो है अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे और हम काम करेंगे। मगर इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये पार्टी सक्सेस भी जाएगी और सारे लोग भी इसको मानेंगे, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी सोच है कि जैसा लोग कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलां है, वो फलां है, वो हमारी सोच नहीं है। क्योंकि वो इसलिए कि मुसलमान भी है, उसमें भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जब एक इंसान कोई बुरा काम कर दिया तो पूरे माशरे के जितने करोड़ लोग होते हैं उनको बुरा कहना सबसे बड़ी गलत बात है। सबसे पहले हमारी कमेटी में इसी बात पे डिस्कशन हुआ है, और कोई एक हिंदू भी है, जब कोई हिंदू ने ये गलत काम कर लिया तो पूरे हिंदूज भी ऐसे ही हैं करके सारे लोगों को उस नज़रिए से देखना, वो नज़रिए को भी हमको हटाना है, हमारा मकसद है। कोई भी तबके का, कोई भी जमात का, कोई भी पार्टी का, कोई भी ग्रुप का, एक आदमी गलत करता है तो पूरे लोगों को उस पर थोप देना ये बात गलत है। तो हम सबको लेकर, सबको मिलकर चलने की दावत देंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सारे लोग भी जो है जुड़ेंगे और सारे लोगों को पसंद आएगा, और आगे भी चल के हम भारत में जो है ऐसे ही खुशी से सब मिले जुले रहने की दावत सबको भी देते रहेंगे। नौहीरा जी, हमेशा से महिलाएं संसद में चर्चा का विषय रही हैं, आपकी इस पे क्या राय रहेगी और आप इस ओर क्या कदम लेना चाहेंगे? और संसद में महिलाएं तो है और ऑलरेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से भी है, मगर किसी ना किसी वजह से वो ख्वातीन के लिए पूरे तौर पे औरतों के लिए कुछ फैसले ले नहीं पाते। क्योंकि जितने भी संसद में महिलाएं आए हैं वो किसी ना किसी के तहत में मेंबर बने हैं, किसी ना किसी के तहत में वो MLA बने हैं, किसी ना किसी को टिकट लेकर जो है ये किए हैं। ऐसी कोई पार्टी जो ख़ास मुद्दा लेकर उठी जो औरतों के लिए थी, वो तो मेरे नज़र में आज तक भी नहीं है। और मैं ख़ास कर से ये भी कोशिश करूंगी कि जो बिल 18 साल से पेंडिंग है, जो 33% के लिए ख़वातीन के लिए, और कहते हैं कि 33% जो है हमें चाहिए, जबकि भारत के अंदर जो है 134 करोड़ पीपल्स हैं और उसके अंदर 64 करोड़ लेडीज़ है, यानी बराबर है, थोड़ा बहुत कमी पेशी के साथ जो है बिल्कुल से बिल्कुल दोनों भी बराबर है। तो मैं चाहूँगी कि भारत में जो है सबको बराबर का हिस्सा हर इसमें भी मिलना चाहिए, तो उसी तरह से औरतों को भी जो है बराबर का हिस्सा संसद में मिलना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह वो ड्रीम, वो ख्वाब देख रही हूँ कि आइंदा के दिनों में औरतें भी संसद में उतने ही रहेंगे जितने मर्दे हैं, तो वो फैसले अपने भी ले पाएंगे और अपने लिए क्या क्या जुल्म हो रहा है उसके लिए कुछ बिल पास कर पाएंगे और उसके लिए कुछ इंसाफ के फैसले, कुछ एक्ट अमेंड कर सकेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पे आप क्या राय रखती हैं? मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत सारे हैं भारत के अंदर, तो अभी मैं फिलहाल उस पर कुछ भी ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो अच्छा काम भी कर रही हैं, हम सबको भी बुरा भी नहीं बोल सकते। और एक ही पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं तो एक जगह पर उसी पार्टी का एक इंसान अच्छा काम करता है, उसी पार्टी का एक इंसान काम अच्छा नहीं करता है, तो फिर सबको चाहिए कि एक बार चेक करे कि उनके जो कार्यकर्ता जो है किस तरह का काम कर रहे हैं, अगर जो गलत काम कर रहे हैं उनको हटाएं, उस जगह पर जो है अच्छे लोगों को लेकर आए। जी, आपने आम लोगों के लिए बहुत काम किया है जी, और आप कैसे सोचती हैं कि आम लोग आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं? और आम लोगों को क्या है, जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी पार्टी आम लोगों के ही लिए है और पार्टी का मकसद ही यही है कि आम इंसान का हर बच्चा पढ़ाई में जो है पावर में आए, एक हर आम औरत जो घर में भी रहती है वो भी आकर कुछ काम कर सके, और जो लोग अंदर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ काम नहीं है, हम जी नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, वो सारे के सारे जो है जमा होकर
अच्छे से काम करे और उनके बच्चों की जो है पढ़ाई के लिए जो है पूरी कोशिश करे। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रही थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और वो एक दरख्त के नीचे बैठ के जो है वो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है कि इंडिया ग्रोथ कर लिया, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, इंडिया में बहुत अच्छा हो गया है, इंडिया के हालात बड़े सही हो गए हैं। तो इससे देखने से लगता है कि इंडिया के हालात सही कहाँ हुए हैं, इंडिया के हालात में बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान कहाँ जा रहा है और बच्चों की जो पढ़ाई होती है, यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को पानी पीने का भी अरेंजमेंट नहीं है और बच्चों को स्कूल में सही बाथरूम के अरेंजमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम रूलिंग में इंशाल्लाह आएंगे तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और हर चीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहली कोशिश होगी कि हमारे भारत के बच्चों की पढ़ाई आसानी के साथ हो, सहूलत के साथ हो और सिक्योरिटीज के साथ हो। कहीं पर बच्चों को बाथरूम में मार दिया जाता है, कहीं पर बच्चों बच्ची छोटी बच्ची स्कूल को जाती है तो वापस आने तक के लिए डर होता है क्या बच्ची सही सलामत वापस आएगी, और यहां तक के अंदर के ऐसे सारे हालात पर जो है सिक्योरिटी की नजर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे भारत का फ्यूचर होते हैं। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे, ये बच्चे अच्छे बनेंगे तो ये भारत का फ्यूचर बनेंगे। ये एक बच्चे को कहीं पर हादसा हो जाता है स्कूल में, या एक छोटी बच्ची को स्कूल में हादसा हो जाता है तो पूरी स्कूल के बच्चे डर जाते हैं, उनकी सारी पढ़ाई में खलल पड़ जाता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि जो भी HR डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं कि इनके ऊपर नजर रखे और उनके सिक्योरिटीज को एकदम स्ट्रांग करें, और जो खासकर से गवर्नमेंट के भी जो स्कूल हैं, सरकार के भी जो स्कूल हैं, तो वो स्कूल्स में बच्चों को पीने पानी नहीं है और उसमें बाथरूम्स नहीं है, वो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए फैन नहीं है, बच्चे कितने कितने तकलीफ में होते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया है तो 100 में से 80 स्कूल इस तरह से ही जब बारिश आता है तो बच्चों के ऊपर पड़ जाता है और उसका कोई भी ध्यान नहीं, कोई भी ख्याल नहीं, और खाली मीडिया में आके कहते हैं कि भारत बहुत ग्रोथ कर लिया है, भारत बहुत अच्छा ऊंचाई के ऊपर आ गया है। मुझे ये सारे मुद्दों के ऊपर नजर आए कि इंशाल्लाह ये सारे चीजों पे फोकस रखेगी, हमारे कमिटीज रहेंगे, इनके सर्वे करेंगे और ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे भी और सरकार से ये बिलें पास भी कराएंगे कि सबसे पहले अपने बच्चों के स्कूल सही हो जाए, उनके सिक्योरिटी सही हो जाए, गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटीज उधर प्रोवाइड करें और खास कर से जो है टीचर्स को वगैरह सारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए कहे। मैं देख रही थी न्यूज़ में छोटे बच्चे कहते हैं कि हम सुबह में आके बैठे और हमारे पास कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, वो वैसे ही उठे और टाइम गुजार कर चले गए। तो ये हमारे फीचर हैं, इन फीचर्स के लिए भी जो है मेरा बहुत ज़्यादा बहुत पक्के इरादे हैं कि मैं इनको ये करूँ। आपकी पार्टी अपने कार्यों द्वारा कैसे आगे बढ़ने की सोच रही है और वो कैसे, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आपकी पार्टी की नींव है? और हमारा मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा औरतों को एम्पावर में लाना और उनके हुकूक दिलाना, और औरतों को हुकूक दिलाने का मतलब ये है कि पूरे ज़माने को मुस्कुराना, और औरतों को हुकूक दिलाने का मतलब ये है कि हर बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे ये औरतों को अच्छा करेगी, इसका मतलब औरतों को अच्छा करना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे भारत को जो है अच्छा करना है। क्योंकि अगर घर में 4 बेटियां होती हैं, 5 बेटियां होते ही, अगर ये एक बेटी पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो घर का बाप रात भर सो नहीं सकता उस बेटी के दर्द से, वो माँ पूरे घर में रात भर सो नहीं सकती कि मेरी बच्ची तकलीफ़ में है। तो भारत में इन औरतों को, इन बच्चियों को एम्पावरमेंट में लाने का मतलब क्या है कि पूरे भारत को मुस्कुराता रखना, और ये हमारा मुद्दा रहेगा। और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि पार्लियामेंट में हमारी बिल पास हो, 33% क्या 40% जो है पास हो, जितने हम है भारत के अंदर, और हम सारे ख्वातीन जो है काम करने वाले बने और वो उभर के दिखें कि हम भी जो है भारत के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, हमारी भी टीम जो है बहुत बड़ा काम कर सकती है। ये मुझे बताना है, यही मुद्दों को लेके पढ़ाई के ऊपर ध्यान उनका रखना है, उनकी इकोनॉमिक को हम कैसे ग्रोथ करें उस पे ध्यान रख के हमारी पार्टी चलेगी। नोहरा जी, क्या कोई विशेष लोग भी आपकी पार्टी से जुड़े हैं और आप क्या चाहती हैं कोई और विशेष लोग अन्य पार्टी से आपकी पार्टी में आके जुड़ें और आपका समर्थन करें? और मैं तो कभी ये नहीं चाहूँगी कि कोई पार्टी के लोगों को मैं इन्वाइट करूँ, ये मेरा इरादा नहीं है। हाँ, कुछ लोग
हमारे काम उनको अच्छे लगे, हमारे सारे कर्तव्य उनको अच्छे लगे, हमारे इरादे उनको अच्छे लगे और हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका उनको अच्छा लगा, अगर कोई आते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। नौहीरा जी, महिला एम्पावरमेंट पार्टी का लोगो जो है बहुत ही खूबसूरत लोगो है, इसका ख्याल आपको कैसे आया? और लोगो बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीम ने वर्क किया और उस पर बहुत ज़्यादा सोचा लोगों को, और सोच कर जो है बनाया कि उसमें हमारे भारत की मोहब्बत भी हो। वो कलर्स हमने लोगों के लिए यूज़ किए, करने का मकसद ये है कि हम सब एक ही है और सबसे पहले कि हम भारत का जो तिरंगा है उससे बहुत प्यार करते हैं, ये हमारा मकसद है पार्टी का। और उसके बाद उसमें हमने वुमेन्स का एक फिगर ग्राप किया, तो उसका मकसद ये है कि भारत में महिला को मुस्कुराती हुई देखना है और ये पार्टी में ख़ास महिला की ताकत आएगी ज़रूर। इस मकसद से उसको हमने महिला का जो फेस फिगर है उसको ग्राप किया है। और उसके बाद हमने डायमंड को सेलेक्ट किया है और डायमंड को सेलेक्ट करके रखा है कि आइंदा उम्मीद है कि डायमंड ही हमारा सिंबल भी रहेगा। तो डायमंड को महिला के फेस पे रखने का यही मकसद है कि हमारी नज़र में, हमारी पार्टी के नज़र में भारत की हर वो महिला, वो काली रहे, वो बूढ़ी रहे, वो गरीब रहे, वो अमीर रहे, वो बड़ी ऊंचाई पे पहुंचने वाली रहे, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपाहिज रहे, हर महिला हमारे लिए रतन है। तो वो एक भारत की रतन है, हर महिला भारत की जो है एक रतन है, ये हमने हमारे लोगों में जो है शो किया है। कलर्स और उसका फिगर और वो डायमंड का जो मकसद है कि हम हर महिला को भारत की एक रतन मानते हैं, उसको हम बहुत कीमत मानते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो या कुछ भी हो, हमारी पार्टी में जो भी बंदा आएगा, मर्द भी आएगा, औरत भी आएंगे, सब लोगों को इस लोगों को समझना भी पड़ेगा कि वो भारत की हर महिला को एक रतन माने। और रतन मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज़ होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है और वो ना कभी ख़राब होती, वो ना कभी टूटता। अगर उसको 1000 साल भी उठा के रख दो उसका प्राइस नहीं गिरता और उसकी कीमत भी लोग लगा नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये पूरे थीम्स को सोच के जो है हमारे लोगों को क्रिएट किया है और लोगों काफ़ी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया कि इसके जो तीन मकसद हैं कि भारत के कलर और भारत के तिरंगे से हमें बेहद मोहब्बत, और दूसरा उसमें औरत का फिगर, जो औरत के फेस का जो फिगर, तो भारत की औरत, और उसके ऊपर जो डायमंड हमने रखा है और वो डायमंड को हम समझते हैं कि भारत की हर औरत, हर तरह की औरत, वो हमारे लिए एक रतन है, हमारे लिए एक हीरा है वो हमारे लिए। बहुत ही खूबसूरत सोच रही है इसके पीछे। आप इलेक्शंस में कब से खड़ा होने की सोच रही हैं और कैसे आप किन किन राज्यों में जाके अपनी पार्टी का प्रमोशन करने की सोच रही हैं? ये पार्टी जब से शुरू हुई या शुरू करने का इरादा था उस वक्त से ही हम सब ने कमेटी में यही फाइनल किया है कि हम इलेक्शन सिर्फ कोई एक ख़ास स्टेट से कंटेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इंडिया के हर स्टेट में हम कंटेस्ट करेंगे, और इंडिया के हर स्टेट में हम कंटेस्ट करेंगे। अब हारना जीतना वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और लोगों के हाथ में होता है, किसको सेलेक्ट करना, किसको सेलेक्ट नहीं करना, मगर हमारा इरादा है कि हम पूरे इंडिया के अंदर इसको हम कंटेस्ट करेंगे, एवरी स्टेट में। पिछले साल ओरे अटैक में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिवारों के लिए आपने बहुत काम किया, क्या आप उस सब के बारे में थोड़ा विस्तार में हमें बता सकती हैं? जी, मैं जब एक बार ट्रैवल में थी और ट्रैवलिंग में मुझे न्यूज़ आया कि एक यूरी में अटैक हुआ जिसमें हमारे भारत के जो है 19 जवान एक ही दिन जो है शहीद हो गए, तो सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और तकलीफ़ हुई दिल को। और कभी भी सुनती हूँ कि हमारे भारत के जवान जब शहीद होते हैं तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो एक ही स्टाफ, वो एक ही ग्रुप ऐसा है जिसके जान का कोई भरोसा नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो हिम्मत से हिस्सा लेते हैं,
वो हिम्मत से जाप करने के लिए चले जाते हैं, वो अपने परिवारों को छोड़कर जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपनी माँ को, सब कुछ छोड़कर उसके लिए वो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों मैं ना उन सब फैमिली को एक बार बुलाऊं। सबसे पहले मैंने देखा, चेक किया कि उनके फैमिलीज के बारे में क्या है। तो जब कुछ लोग हमारे गए वहाँ पर कुछ इंटरव्यूज लिए, तो वो लोगों के बहुत बहुत तकालीफ थे। कुछ औरतें तो कह रहे थे हमको जाकर गवर्नमेंट से पेमेंट हासिल करना, क्योंकि जब शहीद हो जाते हैं तो नेम्स चेंज होना, अकाउंट्स का ये आना, वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसके लिए जो है हमें बहुत ही बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के ही अंदर सेम 12 नवंबर 12 को ये प्रोग्राम ताज होटल में था, तो वो सारे फैमिलीज़ को हमने फ़्लाइट से यहाँ पर इन्वाइट किया और उसके बाद उनके ख़ानदानों को सम्मान किया, और जो भी हमारा बस था हमने उनकी मदद की, और उनके बच्चों को स्कूल के लिए भी हमने जिम्मेदारी ली कि जो भी उनके बच्चे होंगे उसके लिए लेंगे। आज भी भारत के कई सैनिक हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए मदद, मगर मेरा दिल कहता है कि वो उनके लिए बहुत ही कम है, और हमको चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा हमारे देश की हिफाजत करने वाले सिपाही हैं। तो वो सिपाही जो हमेशा रात में ना बर्फ़ को देखते ना ठंडी को देखते, हमेशा अपने देश की हिफाजत के लिए अपने देश के किनारे पे रहते हैं, और वो उनको पता नहीं होता जब घर से निकलते हैं तो क्या घर को हम वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे। जब मैंने ये वाक़ियात को देखा, आज भी मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ लेती रहती हूँ, उनके फैमिली से मेरा टच है, मैं उनके फैमिली से बातचीत करती रहती हूँ, बल्कि एक जगह के नहीं देश के हर कोने कोने से बहुत सारे लोग, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनके घरों में कभी कभी फ़ैन तक नहीं होता है, उनके घर इतने छोटे से होते हैं कि वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। मेरा इरादा भी है, और अगर मेरी बस चलता, अगर सरकार से मैं गुजारिश कर सकती, तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत के सैनिकों को सबसे ज़्यादा सैलरी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे भारत के सैनिकों को रहने के लिए अच्छे अच्छे अकोमोडेशन उनके लिए, घर के लिए उनको देना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ग्रुप है, वो एक ही स्टाफ ऐसा है जिसके जान का भरोसा नहीं होता है, उस फॉर्म पे वो साइन करके निकल जाते हैं कि उनको कब आना है, कब जाना है, पता भी नहीं होता है, हर मिनट हर पल उनके जान को खतरा होता है, उसके बावजूद भी जाकर वो जाप करते हैं। जब उनकी उनकी शहीद हो जाते हैं या उनके घर से वो चले जाते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि उनका पूरा ध्यान रखे, ख्याल रखे, और सरकार के साथ साथ जो भी बिजनेसमैन हैं और इंडिया के अंदर जो भी मालदार लोग हैं उनका ख्याल रखे, ध्यान रखें, क्योंकि वो एक की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश की हिफाजत कर रहे हैं, वो सिर्फ किसी एक की, किसी बड़े की, किसी MLA की, MP की, किसी लोगों की नहीं कर रहे हैं, वो पूरी देश की हिफाजत के लिए जो है अपने जानों को देते हैं, और वो हम देखते भी हैं अपनी आंखों से। कोई एक्टिंग होता, कोई क्रिएशन होता, कोई चीज होती तो अलग बात होती है, मगर वो रियल में जान दे देते हैं, वहां पर जान गुवा बैठते हैं। आज भी वही नहीं, यूरी अटैक तो एक हादसा था जो हम भूल नहीं पाएंगे, मगर उसके साथ साथ हमारे भारत के सैनिक जो है डेली कुछ ना कुछ होता है, 1, 2, 3, 4 जो के जो है कि शहीद होते ही रहते हैं। उसके अलावा जब हमारे भारत के सैनिक कुछ लोग वहां पर जाते हैं, भारत में वो पूरा काम करते हैं, जब वो रिटायर होके वापस आते हैं, तो मैंने देखा है उनको एक छोटी सी पिंचन मिल जाती है, उसके बाद वो बहुत ही मतलब अपनी जिंदगी को मुश्किलों में गुजारा करते हैं। तो इस पर जो है हम सबको खास नजर भी रखना चाहिए, और उनके लिए मेरे तो बहुत ही अच्छे ख्याल थे। अल्लाह की तरफ से अगर हमारी कभी रूलिंग आ गई तो इंशाल्लाह भारत के सैनिकों के लिए सबसे ज्यादा ऊंचे चीजें हमारे पास से इंशाल्लाह पास होंगे। क्या आपकी पार्टी मौजूदा किसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहेगी? अभी तो हमारी पार्टी जो है बिल्कुल नई है, अभी लॉन्च हुई है, और हमारी पार्टी के सारे फैसले मैं अकेली ही नहीं करूँगी, हमारे 29 स्टेट की कमेटीज होंगे, वो भी फैसला करेंगे उसमें, और जो हमारे 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट के कमेटीज़ होंगे वो भी उसमें सोच समझ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल उसका हमारा कुछ भी ख्याल नहीं है, मगर एक बात ज़रूर है कि जिस स्टेट में जो सरकार ख्वातीन की मदद करेगी और हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ रहेगी, तो हम ज़रूर वो सरकार का साथ देंगे। हम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि जो भी अच्छा काम करते हैं हमारी पार्टी उनके साथ है, हमको किसी से कोई अगेंस्ट, कोई दुश्मनी, कोई बात नहीं है, हम सबके साथ रहेंगे जो अच्छे काम करेंगे।
नोयरा जी, जिस राज्य से आप ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ की सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ की सरकार अल्लाह के फजल व करम से फिल वक्त बहुत अच्छी है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर KCR सार जो हैं वो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, हर कौम के लिए वो काम करते हैं, सेकुलर भी हैं बहुत, और वो सब के लिए सोचते हैं। अगर वो ईद के लिए कुछ सोचते हैं तो मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं, हिंदूज के लिए भी सोचते हैं। अगर कुछ भी कौम का काम होता है तो वो अच्छे से करते हैं। और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली सार हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए अच्छा काम करते हैं। और जो भी आधी रात में भी जब उनके पास कोई जाते हैं किसी कोई मसले को लेकर, जो है वो अपने मसलों को जो है हल करते हैं। और मुझे उनके साथ अच्छी उम्मीद है कि वो देश के बहुत ही अच्छे एक इंसान हैं। और वो अच्छा खासा एक तेलंगाना और आंध्रा डिवेड होने के बाद भी कोई भी फितना हुए बगैर बड़े सुकून के साथ वहाँ पर रोलिंग कर रहे हैं, और मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ख्याल हैं। नोहरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पार्टी से रूबरू होके, और मेरी शुभकामनाएं एक महिला होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ इतना देर तक जो है ये इंटरव्यूज लिया और लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया। थैंक यू।